सेना के जवान दीपक जे घाड़गे का अंतिम संस्कार शनिवार 11 मार्च को उनके पैतृक गांव में किया गया। 27 साल के घाड़गे महाराष्ट्र के सतारा जिले के बौर गांव के रहने वाले थे। वह 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के सिपाही थे। 9 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा की कृष्ण घाड़ी सेक्टर में ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी थी और दीपक इसकी जद में आ गए थे। दीपक अपने पीछे अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी, 4 साल के बेटे और 1 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। उनकी मृत्यु की खबर आने के बाद से उनके गांव में सन्नाटा पसरा रहा और पूरे गांव की दुकानें शोक में बंद रहीं। इसी बीच नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग लगातार जारी है। वहीं कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई हैं।